देश में प्राचीन चीजों का मिलना कोई आम बात नहीं है। जब जब भी प्राचीन चीजें मिलती हैं सुर्खियों में रहती हैं। एक ऐसी ही खबर विदिशा जिले के ग्यारसपुर से आई, जहां के जंगलों में भगवान बुद्ध की प्रतिमा ध्यान मग्न अवस्था में देखने को मिली है। देखिए ये रिपोर्ट। जब भी देश में कोई प्राचीन वस्तुएं मिलती हैं हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। ऐसा ही एक मामला ग्यारसपुर से आया है, जहां के जंगलों में भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है, जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए हैं। देखिए, आज हम सभी ग्यारसपुर के युवा साथी यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आए थे बिहार जी मंदिर पे, तो सब लोगों ने सोचा कि माता जी के पीछे पहाड़ी, इसका भी इधर थोड़ा अवलोकन करें। तो आप मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, अभी हमारे मीडिया के साथ ही आपको दिखाएंगे कि ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा काफ़ी बड़ी आदमकद प्रतिमा है, यहाँ पर पड़ी हुई है। और आसपास ये पूरा जो स्थान है यहाँ पे बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ था। मंदिर के काफ़ी अवशेष यहाँ पे, रास्ता, दीवारें और बहुत सारे चबूतरा यहाँ पर दिखाई, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी तक दुर्भाग्य है कि इसका सर्वे नहीं हो पा रहा है, इसकी खुदाई नहीं हो पा रही। वैसे भी ग्यारसपुर पुरातत्व की महत्व से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर माला देवी है, बाजरा मठ है, अठखम्मा है और अन्य अन्य तरह की पुरा संपदाएं बिखरी पड़ी हैं। तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि हम जिस स्थान पर खड़े हुए हैं यहाँ पर कोई प्राचीन मंदिर होगा। तो मेरा इस मीडिया के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध है कि यहाँ पर आप खुदाई करवाएंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही पुरा संपदा का भंडार यहाँ पर मिलेगा। सर्वे ऑफ इंडिया के संबंधित अधिकारियों को कुछ कहना चाहते हैं इस माध्यम से? देखिए, वहाँ के जो अधिकारी हैं काफ़ी समय से यहाँ पर पदस्थ हैं, उनका मुख्यालय भी यहाँ के आसपास विदिशा में रहा है, लेकिन उनकी रुचि नहीं है। अगर उनकी रुचि होती तो वो निश्चित रूप से जो हमारी प्राचीन और पुरातन संस्कृति है, धरोहर है, उसको संरक्षण का प्रयास करते। वहीं अगर बात करें ग्यारसपुर की तो ये आज भी 9वीं और 10वीं सदी की ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ग्यारसपुर।